मेरे बॉयफ्रेंड की मांसपेशियां मजबूत हैं। वह लड़कियों में बहुत लोकप्रिय है। जब तक एक दिन मैंने उसका राज पता लगाया, असल में उसकी सारी मांसपेशियां नकली थीं। मुझे धोखा दिया गया। मेरा नाम सैंड्रा है। पिछले गर्मियों में मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एक समर कैंप गए थे। वहाँ की लड़कियां चोरी चोरी मेरे बॉयफ्रेंड को और मुझे तीव्रता से देख रही थीं। मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ क्योंकि ह्यूज बहुत हैंडसम था। रात की स्विमिंग पार्टी में एक लड़की जिसका नाम टीना था मेरे बॉयफ्रेंड को घूर रही थी। मैंने इस लड़की को चिढ़ाने के लिए अपने प्यार का इजहार करने का सोचा। जैसे ही मैं ह्यूज के पास पहुंची, उसने मुझे धक्का दे दिया। टीना जोर से हंस पड़ी। अगले दिन मैंने ह्यूज को समर कैंप की वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में नामांकित किया। मुझे विश्वास है कि वह आसानी से जीत जाएगा, लेकिन वह गुस्सा हो गया। तुमने अपनी मर्जी से क्यों किया? मैं भाग लेना नहीं चाहता। लेकिन उसे भाग लेना ही था। बीच में छोड़ने से लोग उसे नीचा समझते। मुझे अपराध बोध हुआ, इसलिए मैंने उसे जितना हो सके समर्थन दिया। यहाँ तक कि उसके नाम का एक फैन पोस्टर भी बनाया। लेकिन ह्यूज ने गुस्से में मुझे पोस्टर हटाने का इशारा किया। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी ने बारबेल को सिर के ऊपर उठा लिया, लेकिन ह्यूज ने केवल 10 सेंटीमीटर उठाया। फिर वह चिल्लाते हुए अपनी पीठ पकड़ने लगा। उसकी कमर में मोच आ गई। मैं तुरंत उसके पास दौड़ी ताकि उसे मालिश कर सकूं, लेकिन वह कूद कर चिल्लाया, मुझे और शर्मिंदा मत करो। इस समय टीना ने मौके का फायदा उठाया। उसने मेरे बॉयफ्रेंड को पानी की बोतल दी और उसके कंधे पर झुक गई। यह तो खुल्लम खुल्ला थप्पड़ मारने जैसा था। वह टीना के प्रति इतना कोमल कैसे हो सकता है? मुझे शक होने लगा कि कुछ चल रहा है। मैं पूरे दिन इसी बारे में सोचती रही। रात में मैंने ह्यूज से बात करने का फैसला किया। मैं चुपके से उसके कमरे के दरवाजे के पास गई, लेकिन देखा कि ह्यूज एक बड़ा स्पोर्ट्स बैग लेकर बाहर आ रहा था और चारों ओर देख रहा था। वह एक छोटे गोदाम में गया। रात में वहाँ कोई कर्मचारी नहीं था। मैं गुस्से से भर गया। मुझे लगता है कि वह टीना के साथ यहाँ चोरी छिपे मिल रहा है। मैं गुस्से से कांप रही थी। कुछ ही दिनों में उसने नई गर्लफ्रेंड बना ली। मैंने खिड़की से अंदर झांकते हुए सांस रोक ली। अंदाजा लगाइए मैंने क्या देखा। ह्यूज ने अपनी फूली हुई मांसपेशियों को उतार दिया। वह एक सिलिकॉन जैकेट थी। क्या यह वही हैंडसम आदमी है जो सभी लड़कियों को पागल कर देता था? मुझे तो बस दो चौड़ी फलियां दिख रही हैं। मैं गुस्से में हंस पड़ी। उसने मुझे मूर्ख समझा। जैसे ही मैं कमरे में घुसी, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने चुपचाप मेरी डांट सहली। तुम भी ऐसा कपड़ा खरीद सकती हो, ये तुम्हें और भरा भरा दिखाएगा। तुम बहुत पतली हो। मैं उससे ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन मुझे दूसरी लड़कियों की जलन भरी नजरें पसंद थीं। इन दिनों मैं ह्यूज से बहुत ठंडी रही हूँ। जब मैं घर लौटी तो माँ ने मुझे एक बहुत ही कूल और दिलचस्प खबर दी। हमारा परिवार दक्षिण में छुट्टियाँ मनाने जा रहा है। मैं और मेरी बहन ने जल्दी से सामान पैक कर लिया। अगली सुबह मैंने खिड़की से समुद्र का नजारा देखा। मुझे ह्यूज के साथ अपने रिश्ते को सुलझाने के लिए एक ब्रेक की जरूरत है। कौन सोच सकता था कि छुट्टी के पहले ही दिन मुझे नया प्यार मिल जाएगा। वह समुद्र में लाइफगार्ड था। वह बहुत हैंडसम था, बिल्कुल फिल्म स्टार की तरह। मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। मैं बातचीत शुरू करने की तैयारी कर रही थी। क्या मुझे एक गिलास जूस मिलेगा? उसने मुझे वेटर समझा और भाग गया। मैंने यह बात अपनी बहन रोज को बताई। उसने मदद का वादा किया। अगले दिन बहन बात करने चली गई। वह तुरंत ही दिलचस्पी लेने लगा। मेरी बहन की फिगर बहुत अच्छी है, मेरी नहीं। बहन जॉयस ने वादा किया कि वह रात को मेरे साथ टहलने जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी जगह जाना होगा और उसे पसंद करने की कोशिश करनी। मैं इतनी ही मदद कर सकती हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि मंच पर नाच भी किया, लेकिन स्कॉट ने कोई ध्यान नहीं दिया। पूरी रात अपने फोन में लगा रहा, यहाँ तक कि कॉफी के पैसे भी नहीं दिए। कमरे में लौटकर मैं दुखी होकर रो पड़ी। बहन ने मुझे लगातार हिम्मत दी। अगले दिन मैंने चरम कदम उठाने का फैसला किया। जैसे ही स्कॉट वॉच टावर पर चढ़ा, मैंने तुरंत डूबने का नाटक किया। दोनों हाथों से मदद के लिए इशारा किया। मैं डूब रही हूँ। मैंने देखा कि स्कॉट मेरी ओर दौड़ रहा है। तुरंत बेहोश होने का नाटक किया। स्कॉट ने मुझे किनारे पर लाकर रखा, फिर मुझे रेत पर लिटा दिया। मुझे पता है कि आगे कुछ दिलचस्प होने वाला है। मैंने उसके नमकीन होंठों का स्वाद चखा। जब मैंने आंखें खोली तो डर के मारे उछल पड़ी। यह स्कॉट नहीं था, बल्कि उसका सहकर्मी था। मैं बहुत गुस्से में थी। स्कॉट ने बेपरवाही से सिर हिलाया और चला गया। योजना विफल हो गई। लगता है मेरे पास कोई मौका नहीं। मैं दिन भर उदास होकर शराब पी रहा था। रात को मैंने देखा कि मेरी बहन और स्कॉट कुछ बात कर रहे थे। मैं ताड़ के पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। क्या मैंने तुम्हें अभिनय के लिए नहीं कहा था? माफ करना, मैं कैसे कहूँ? तुम्हारी बहन न सुंदर है न आकर्षक। मैं उसमें दिलचस्पी दिखाने का नाटक नहीं कर सकता। मैं दुखी होकर अपने कमरे में भाग गया। जब मेरी बहन आई तो मैंने उसे चोरी से सुनी बातों के बारे में बताया। मुझे पता है कि वह तुम में दिलचस्पी नहीं रखता। मैं बस तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ाना चाहती थी, नहीं तो तुम्हारा बदसूरत चेहरा मेरी छुट्टियां बर्बाद कर देगा। हम दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ। सबसे बुरी बात यह थी कि मैं अपने लुक्स की चिंता करने लगा। जब पूरा परिवार धूप सेंक रहा था, मैं चुपके से कमरे में जाकर आईने में खुद को देखने लगा। क्यों? मैंने पहले ध्यान नहीं दिया कि मैं एक बच्चे की तरह दिखता हूँ। घर लौटते ही मैंने सबसे पहले ह्यूज को ढूंढा और उससे पूछा कि वह जैकेट कहाँ से खरीदी जा सकती है। ट्राई करने के बाद मैंने बिना हिचकिचाहट अपनी सारी पॉकेट मनी निकाल दी। इस नए कपड़े को खरीदने के बाद आत्मविश्वास से भरी सैंड्रा गर्व के साथ स्कूल आई। वाह, कितनी सुंदर! एक छुट्टी में तुमने इतना कैसे बदल लिया? मैंने बेहिचक कहा। स्वस्थ आहार और व्यायाम।
मैंने एक छुट्टी जिम में बिताई। मेरे सहपाठी मुझे प्रशंसा और प्रेम से देख रहे थे। यहाँ तक कि हमारे स्कूल के सबसे लोकप्रिय चार्ली ने भी मेरे प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन टीना के आने से मेरा मूड खराब हो गया। वह लड़की जो समर कैंप में मेरी फैन बन गई थी, हमारे क्लास में ट्रांसफर हो गई। वह मेरे बॉयफ्रेंड का पीछा करती रहती है। शुरुआत में मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन एक दिन बाद मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि उन मांसपेशियों के पीछे एक दुबला शरीर छिपा है। सिर्फ एक हफ्ते में मैं पूरे स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की बन गई। रात को ह्यूजेस मुझे डेट पर बुलाने आया। मैंने झूठ बोला कि मुझे घर पर पढ़ा। असल में मैं रात को चार्ली के साथ डेट पर जा रही हूँ। हमारा रिश्ता बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसने मेरे घर के दरवाजे पर मुझे चूमा और मुझे एक पोस्ट कार्ड दिया। कल तुम्हारा जन्मदिन है, मैं वाटर पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे चिंता थी कि तैराकी में मैं उजागर हो जाऊंगा, पर मना नहीं कर सकती। मैंने मुस्कुराकर निमंत्रण स्वीकार किया। मैंने तय किया कि मैं पानी से डरने का नाटक करूंगी। अगले दिन जब सब पानी में खेल रहे थे और मस्ती कर रहे थे, मैं आराम से बैठकर कोला पी रही थी और जल्दी ही चार्ली ने सभी सहपाठियों को फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया। दोस्तों एक साथ फोटो खिंचवाएं। मैं चार्ली के बगल में चिड़िया की तरह खड़ी थी। जैसे ही फोटोग्राफर ने शटर दबाया, सबसे बुरी बात हो गई, मेरी सिलिकॉन कवर गिर गया। मैंने चिल्लाते हुए शरीर ढक लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सब हंसते हंसते लौटपोट हो गए। फोटोग्राफर भी खुद को नहीं रोक सका। मैंने कैमरा छीन लिया। मैं देखना चाहती थी कि अपराधी कौन है। वह ह्यूजेस था। उसने चुपके से मेरे पीछे खड़े होकर मेरी जैकेट खींच ली थी। यह चालाक और मूर्ख व्यक्ति, मैं इसे कभी भी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैंने ताली बजाकर सबको इकट्ठा किया। क्या तुम लोग सोचते हो कि यह आदमी बहुत मजबूत है? मैं तुम्हें उसका असली रूप दिखाऊंगा। मैंने उसकी एब्स को जोर से पकड़कर खींचा। यह कैसे हो सकता है? उसकी त्वचा लाल हो गई। यह असली मांसपेशी है। मैं शर्मिंदा होकर चेंजिंग रूम में भाग गई। बेंच पर बैठकर दुखी होकर रोने लगी। अचानक कोई मेरे बगल में बैठ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा कि चार्ली मुझे सांत्वना देने आया है, लेकिन यह ह्यूजेस था। कल मैं फूल लेकर तुम्हारे घर आया था। तुम्हारे माता पिता ने कहा तुम घर पर नहीं हो। मैंने बाहर देखा कि चार्ली तुम्हारे साथ अंतरंग हो रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे पहले ह्यूजेस से ब्रेकअप करना चाहिए, फिर चार्ली के साथ डेट पर जाना चाहिए। मैंने आंसू पोंछे और पूछा, तुम्हारे शरीर को क्या हुआ है? बहुत आसान है, मैंने वह जैकेट इसलिए पहनी थी ताकि मुझे व्यायाम करने की प्रेरणा मिले। छुट्टियों के बाद मुझे इसकी जरूरत नहीं रही। मुझे लगा कि मैं एक मूर्ख हूँ। जब मुझे याद आया कि टीना उसके पास है, तो मुझे जलन हुई। मैंने ह्यूजेस से सुलह करने का फैसला किया, इसलिए मैंने ह्यूजेस को रात के खाने पर बुलाया। इस समय जमीन से सिर बाहर निकला। चलो साथ में खाना खाते हैं, तुम्हारी याद आ रही है। माफ करना, मेरी रात को पहले से ही एक योजना है। ह्यूजेस चला गया। मुझे अचानक लगा कि वास्तव में चार्ली ह्यूजेस से बेहतर है, इसलिए मैंने खुद को अच्छे से तैयार किया और पूल पहुंची। लेकिन देखा कि चार्ली एक सुंदर लड़की के साथ, मेरी सिलिकॉन जैकेट भी कूड़ेदान में फेंक दी गई थी। मेरी बहन रोज ने मुझे ह्यूजेस से माफी मांगने और उसे वापस लाने की सलाह। तुम्हारे विचार में मुझे क्या करना चाहिए?